सप्तम श्रेणी समस्त भाई भौनी मानंकु विज्ञान कलांश को स्वागत। आमे उद्भिदर वंश विस्तार विषय पढ़ुले। उद्भिदर तीन प्रकार प्रक्रिया वंश विस्तार होता है। प्रथम है अंगीय जनन, तापर अलिंगी जनन एवं लिंगीय जनन। आज आम एठारे लिंगीय जनन विषय जानिबा। सपुष्पक उद्भिदर प्रधान जाए पुंजुग्मक एवं स्त्री जुग्मक मिलन रे जुग्मक जात हुए। जुग्मक गुड़िकर मिलन हेला समायन। शैवाल हिंटी जातीय उद्भिद मस फर्न इत्यादि अपुष्पक उद्भिद रे साधारणतः अंगीय बा अलिंगी जनन बहुबार हेबार देखा जाय थाए। किंतु लिंगीय जनन जीवन काल रे मात्र केते थर होइथाय। सपुष्पक उद्भिद रे साधारणतः अंगीय ओ लिंगीय जनन देखिबाकु मिलिथाय। उद्भिदर प्रजनन अंश फुलरे थाए। पुंकेश ओ फलिका द्वारा गर्भकेशर चक्र यथाक्रमे उद्भिदर केशर ओ फलिका बा गर्भकेशर यथाक्रमे उद्भिदर पुरुष ओ स्त्री प्रजनन अंग। तापर आम जानिबा देखि परुथबो चित्र रे विभिन्न प्रकार फुलर चित्र देइछि। मंदार फुल, सोरिष फुल, कखारु फुल इत्यादि विभिन्न प्रकार फुलर पुंकेशर गर्भकेशर को भल भाव देखिबा। कखारु फुल रे खाली पुंकेशर चक्र बा गर्भकेशर चक्र देख। दुई प्रकार फुल गोटिए कखारु गछरे थिबारु एहाकु एकवासी उद्भिद कुहा जाय। सेपरि मंदार फुल मध्य स्क्रीन रे देखि परुथबो। सोरिष ओ मंदार फुल रे उभय पुंकेशर ओ गर्भकेशर गोटिए फुल रे थिबारु एहा दुईलिंगी। किंतु गोटे खजूरी और तालपरी गच्छरे केवल अंडीरा फुल बा माई फुल हेउतिबार देखा जाए। एगुड़िक दुईवासी उद्भिद। वर्तमान जानिबा केशर धारिका और पराग पेटी नहीं पुंकेशर गठित गर्भकेशर बा फलिका चक्र रे फलिका शीर्ष शलाका और डिंबाशय थाए। डिंबाशय रे डिंबक थाए। डिंबक मध्य स्त्री जुग्मक बा डिंब सृष्टि हुए। तापर पढ़िबा तो मैंने वर्तमान स्क्रीन रे देखु गोटे डिंबाशय चित्र एवं जो देखा हो वर्तमान यहाँ है पुंकेशर चक्र ऊपर परागरेणु बा पोलेन ग्रेन लिखाई। पोलेन ग्रेन माने परागरेणु। परागरेणु आमर है पुंकेशर एवं यापर आसला गर्भकेशर देखि परुथब। गर्भकेशर तीनोटी अंश रे विभक्त। प्रथम टी लिखाई स्टिग्मा बा फलिका शीर्ष स्टाइल शलाका जोटा को कहुए शेषटा ओभारी बा गर्भाशय डिंबाशय हैला। प्रथमटा फलिका शीर्ष तापर शलाका तापर डिंबाशय बा ओभारी। ओभारी भितर आमर डिंबकोष गुड़िक थाए जोड़ा कि स्क्रीन ने देखा होची। मेल गैमेट्स लिखाई एवं फीमेल गैमेट्स लिखाई पुंग जुग्मक एवं स्त्री जुग्मकर मिलन रे जोड़ा कि जायगोट बा जुग्मज सृष्टि हुए। पोलेन ग्रेन है पराग रेणु। ताले आमे वर्तमान पढ़ा परागण विषय। परागण कौन? परागण है पराग पेटीरु पराग रेणुर फलिका शीर्ष को स्थानांतर को परागण कहा जाए। यह दि प्रकार गोटे है स्व परागण अन्यटी है पर परागण पोलिनेसन लिखाई। पोलिनेसन अर्थ हूँ परागण। गोटे है स्व परागण आ गए है पर परागण। चित्र रे देखु से ही फुलर पराग रेणु जदि से ही फुलर पड़ी परागण करे से है स्व परागण। गोटे फुलर पराग रेणु जदि अन्य फुलर पड़ी परागण करे ताले है पर परागण। ताले ये जो परागण रे पराग रेणु जदि से ही जाती अन्य एक उद्भिद फुलर थिबा फलिका शीर्ष पड़ी परागण करे तेबे ताहाकु पर परागण कुहा जाए। पर परागण द्वारा सुस्थ सबल अपत्य जात होई थांती। एहा द्वारा उन्नत और संजीवतापूर्ण मंजी सृष्टि होइते। उदाहरण है खजूरी फुल। पराग रेणुर चलन क्षमता नथिबारु सेगुडिक विभिन्न माध्यम पराग पेटीरु फलिका शीर्ष को बाहित होइथाय। महुमाछी किंबा वायु जल कीटपतंग और जीवजंतु द्वारा विभिन्न माध्यम परागण होइथाय। परागण फल कौन हुए तापर जो आमे देखी डिंबाशय मध्य पुंग जुग्मक और स्त्री जुग्मकर मिलन घटी जुग्मज सृष्टि हुए। जुग्मज मध्य देखिपुब एम्ब्रायो लिखाई जोटा कि जुग्मज जुग्मजर वर्धित घटी सेगुड़िक दुई समान पर मंजीर परिणत हुए और डिंबाशय बढ़ी फल परिणत हुए। वर्तमान देख फुलर पाखुड़ा गुड़िक खसी जा खसीगला डिंबाशय बड़ हम। वर्तमान आम सपुष्पक उद्भिद
ସମୟାନ କିପରି ହୁଏ ସେ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ସପୁଷ୍ପକ ଉଦ୍ଭିଦରେ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖିପାରୁଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ କେଶର ଚକ୍ରର ଡିମ୍ବକରେ ଭ୍ରୂଣାଶୟ ଥାଏ। ଭ୍ରୂଣାଶୟରେ ଗୋଟିଏ ଡିମ୍ବକୋଷ, ଦୁଇଟି ସହାୟକ କୋଷ, ତିନୋଟି ପାତଳି କୋଷ ଏବଂ ଦୁଇଟି ମେରୁନ୍ୟଷ୍ଟି କୋଷ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାଏ। ପରାଗରେଣୁ ଫଳିକା ଶୀର୍ଷରେ ପଡ଼ିବା ପରେ ଦୁଇଟି କୋଷରେ ବିଭକ୍ତ ହୁଏ, ତାହା ହେଲା ନଳିକା କୋଷ ଓ ଜନନ କୋଷ। ନଳିକା କୋଷରୁ ନଳିକା ବାହାରି ଶଳାକା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଡିମ୍ବକ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରେ। ଏହି ସମୟରେ ଜନନ କୋଷ ଦୁଇଟି ପୁଂଯୁଗ୍ମକରେ ବିଭକ୍ତ ହୁଏ, ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଡିମ୍ବକୋଷ ସହିତ ସମାୟନ କରି ପୁଂଯୁଗ୍ମକ ଓ ଡିମ୍ବକୋଷର ମିଳନକୁ ଦୁଇ ସମାୟନ କୁହାଯାଏ। ଫଳରେ ଯୁଗ୍ମଜ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଯୁଗ୍ମଜ ବଢ଼ିଲେ ଭ୍ରୂଣ ହୁଏ ଓ ଭ୍ରୂଣରୁ ନୂତନ ଉଦ୍ଭିଦ ବଢ଼ିପାରେ। ଅନ୍ୟ ଏକ ପୁଂଯୁଗ୍ମକ ଦୁଇ ମେରୁନ୍ୟଷ୍ଟି କୋଷ ସହିତ ମିଳିତ ହୋଇ ଭ୍ରୂଣପୋଷ ହୁଏ। ଏହି ଭ୍ରୂଣପୋଷ ଯୁଗ୍ମଜକୁ ବଢ଼ି ଭ୍ରୂଣ ହେବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ସପୁଷ୍ପକ ଉଦ୍ଭିଦରେ ଏହି ସମାୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଦୁଇ ସମାୟନ ଓ ତ୍ରି ସଂଯୋଜନ କୁହାଯାଏ। ଦୁଇ ସମାୟନ ପରେ ଡିମ୍ବକଟି ମଞ୍ଜିରେ ପରିଣତ ହୁଏ ଓ ଡିମ୍ବାଶୟଟି ବଢ଼ି ଫଳରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଚିତ୍ରରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଭଲ ଭାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଲା ସପୁଷ୍ପକ ଉଦ୍ଭିଦର ଡିମ୍ବାଶୟର ଚିତ୍ର। ଡିମ୍ବାଶୟ ମଧ୍ୟରେ ଡିମ୍ବକ, ଭ୍ରୂଣାଶୟ, ପରାଗ ନଳିକା, ଶଳାକା, ପରାଗରେଣୁର ଫଳିକା ଶୀର୍ଷର ଚିତ୍ର ଦେଇଛି। ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ ସପୁଷ୍ପକ ଉଦ୍ଭିଦର ସମାୟନ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲେ। ଏଥିରେ ଦୁଇଟି ସହାୟକ କୋଷ, ଗୋଟିଏ ଡିମ୍ବକୋଷ, ତିନୋଟି ପାତଳି କୋଷ ଓ ଦୁଇଟି ମେରୁନ୍ୟଷ୍ଟି କୋଷ ଥାଏ। ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ।